कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप सब। अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहना और इतने ही प्यार से हमारी वीडियो देखते रहना। तो चलिए दोस्तों अपना व्लॉग आज का स्टार्ट करती हूँ। और अभी गुड्डू जा रहा है स्कूल और अभी अपना बैग लगा रहा था वो, तो सारी बुक्स वगैरह अपनी देखिए सारी यही बिस्तर पर रख गया है। अभी पूरा बैग भी नहीं लगाया है और उस कमरे में चला गया है। और ये रहा इसका बैग, अब लगाएगा अपना बैग और अब स्कूल जाएगा। और इसको दूंगी अब मैं लंच बना के। और हाँ, कल हम जो मार्केट गए थे तो शालू के लिए कुर्ती वगैरह लेके आई थी और अपने लिए चुन्नी लेके आई थी, तो वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। और अभी मेरे को अपने कपड़ों की फ़िटिंग भी करनी है और शालू के कपड़ों की भी फ़िटिंग करनी है। तो अभी बस मशीन निकालती हूँ, सिलाई मशीन, और करती हूँ फिटिंग। और देखे तकी के कवर भी नहीं सिल पाई थी कल, तो मार्केट जाना पड़ गया था, तो इस वजह से ये भी रह गए। और अब ये मैं इनको भी सिलती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जो शालू के लिए कुर्ती लेके आए हैं वो कैसी है। और मैंने अभी यहीं रख रखा है क्योंकि मेरे को फ़िटिंग करने हैं कपड़े और हमको शाम को जाना है, तो इस वजह से मेरे को अभी कपड़े फ़िटिंग करने हैं। तो ये शालू की कुर्ती है, देखिए कितना प्यारा कलर है इसका, पिंक कलर की कुर्ती है। और इसके गले पे हो रखी है कढ़ाई और जो इसका नीचे बॉर्डर आ रहा है उस पर भी ऐसी कढ़ाई हो रखी है जैसे गले पे हो रखी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ग्रीन कलर की इस पर बूटी आ रही है और ऐसी इसके गले पे आ रही है। और इसके साथ है, इसके साथ प्लाजो है, ये देखिए इसके साथ प्लाजो है। और इसका जो प्लाजो है वो बहुत ज़्यादा खुला वाला है, ज़्यादा खुला है, ज़्यादा चौड़ाई में ज़्यादा है, तो ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। और हम इसी के साथ मैचिंग की चुन्नी भी लेकर आए हैं उसके लिए, तो इसी कलर में हमने उसके लिए मैचिंग की चुन्नी लगवा ली। और देखिए कई बार होता है सेम कलर नहीं मिलता है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल सेम मैचिंग का कलर मिल गया है। और देखिए बहुत अच्छी चुन्नी है, देखिए बीच बीच में इसमें वो लगे हुए हैं, गोल्डन कलर का डिज़ाइन बना हुआ है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बेबी पिंक कलर है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसकी जो चुन्नी है इस पर ये देखिए कितनी अच्छी लेस लगी हुई है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है ये चुन्नी। और शहरी को तो बहुत ही पसंद आ रही है। और जो मैं अपनी कुर्ती के साथ लेके आई हूँ, जो चुन्नी लेके आई थी मैं, और आपको पता है जैसे मेरी चुन्नी फटी हुई निकल गई थी तो मुझे दूसरी तो लानी थी, तो उसके साथ मैं रेड कलर की लेके आई हूँ और इस पर लेस लगी हुई है। तो देखिए ये रेड कलर की चुन्नी है जो मैं अपने लिए लेके आई हूँ। और बाकी मेरी कुर्ती वगैरह है जो मैंने अभी फिटिंग करी नहीं है, तो बस इनको भी फिटिंग करेंगे अभी। तो बाकी ये कुर्ती है जो अभी फिटिंग करने के लिए है, और एक ये वाली कुर्ती है जो फिटिंग करनी है। तो बस अब मैं पहले गुड्डू को स्कूल छोड़ के आऊँगी, उसके बाद मैं ये सब फिटिंग करूँगी। तो चलिए अब मैं इसको यहीं रख देती हूँ और गुड्डू को स्कूल के लिए तैयार करवा देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, गुड्डू अपने दोस्त से पूछने गया है स्कूल के लिए, क्योंकि गुड्डू का दोस्त भी उसी स्कूल में पढ़ता है। तो देखती हूँ गुड्डू कहाँ है। गुड्डू जा रहा है, जा रहा है तुषार, जा रहा है तुषार, नहीं जा रहा। आ जा तू, तैयार हो जा जल्दी से, मैं छोड़ आऊँगी। आ जा जल्दी, आ जा। तो चलिए दोस्तों, इसका दोस्त तो जा रहा नहीं है, शायद तबीयत वगैरह ठीक नहीं होगी, तो मैं ही गुड्डू को छोड़ आती हूँ स्कूल। यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं टीवी, शालू और चिंटू व्लॉग लगा रखा है इन्होंने। और दीदी यहाँ पर मांज रही है बर्तन, क्यों किचन में पानी नहीं आ रहा? अच्छा धुल गए या रह गए? अच्छा प्रेशर नहीं आ रहा होगा किचन में पानी का? अच्छा। और दोस्तों मैं आई हूँ दीदी के यहाँ, दीदी ने कपड़े धो के यहीं सुखा रखे हैं, क्योंकि छत पे इतना दूर पड़ जाता है, ऊंचा पड़ जाता है, कि सोचते हैं कि नीचे सुखा दें, और गर्मी भी इतनी है कि कपड़े नीचे सूख जाते हैं ना, सूख जाते हैं ना। और कल मैंने शालू को बुलाया था, मैंने बोला मेरे को नाप दे दे कुर्ती का, फिटिंग कर दूँगी। और मैंने सोचा कमरे में गई और ये फिर आई नहीं, फिर मैंने इसको फ़ोन भी करा था। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ और ये बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं सोफे पे, तीनों देख रहे हैं टीवी। और मैं शालू से पूछ रही हूँ कि शालू मेरा नेल आर्ट कर दोगी?
और कल मैंने इसको कुर्ती के लिए बुलाया था फिटिंग करने के लिए कि शालू कुर्ती का नाप दे दे, और ये कब ऊपर आ गई मुझे पता ही नहीं चला, और मैं इसको नीचे ढूंढ रही थी। शालू ऊपर क्यों आ गई थी, कुर्ती का नाप क्यों नहीं दिया? अब ऐसे ही पहन के जानी पड़ेगी ढीली ढाली कुर्ती? ठीक है, पहन जाएगी ऐसे ही। तो चलिए, मैं तो बच्चों को छेड़ रही हूँ, और बाहर से रोशनी आ रही है तो कैमरे पे रोशनी पड़ रही है, और अभी शालू से मैं अपना नेल आर्ट करवाऊँगी। चलिए दोस्तों, अब मैं चलती हूँ नीचे, शहरी बुला रही है मेरे को, और दीदी यहाँ पर बर्तन मांज रही थी तो दीदी का पानी ख़त्म हो गया यहाँ पर है, इसीलिए बैठे हुए इंतज़ार में बैठे हुए हो। अच्छा ठीक है, चलो मैं ही नीचे चल के मोटर चला के देती हूँ तुमको, तो धो लेना अपने बर्तन। ये गुड्डू हो चुका है स्कूल के लिए तैयार, और बस अब मैं इसको स्कूल छोड़ने जाऊंगी, और इसका जो दोस्त है वो तो आज जा नहीं रहा है। और देखिए, आज गुड्डू ने जो टाई है वो अपने आप पहन ली है, और ऐसा ही होता है, जब हमने फर्स्ट टाइम टाई बांधी थी तो गुड्डू और मेरे को आ नहीं रही थी, तो गुड्डू अपने स्कूल में ही ले गया था, गुड्डू ने अपने फ्रेंड से बनवाई थी अपनी टाई, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाते हैं, और अब हम टाई बांधनी भी सीख गए हैं, और देखिए कितनी परफेक्ट टाई बांधी है गुड्डू ने। इधर देखो पीछे, हाँ, तो गुड्डू पूरा तैयार हो गया अपनी यूनिफॉर्म में, और बस अब मैं इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ। अरे, और दोस्तों खाने में मैं बना रही हूँ मसाले वाले चावल, और इसमें मैंने डाले हैं जीरा, हल्दी, मिर्च, नमक, और बस तीन चीज़ें ये डाली हैं, ना मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, ना मैंने इसमें प्याज डाली है, और बस इसमें मैंने डाल दिया है चावल, और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और दो सीटियाँ लगा दूँगी, और बस बन जाएंगे हमारे मसाले वाले चावल। और मैंने मम्मी को आम का अचार दिया है, तो मम्मी को थोड़ा मिर्ची ज़्यादा पसंद है, हाँ, जो आम का मसाला तेल है ना, इसमें डाल दें, तो मम्मी ने मिर्ची का अचार ले लिया। हाँ, खा लो खाना जी, लंच कर रहे हैं, कर लो। तो चलिए दोस्तों, दोपहर के बज रहा है 1:30, और खाना सबने खा लिया, और खाने में मैंने आपको दिखाया हमने मसाले वाले चावल बनाए थे, और बस अब मैं सूटों की फिटिंग करूंगी, और आज बहुत दिन बाद मैंने अपनी मशीन निकाली है, और मेरी मशीन थोड़ी सही नहीं चल रही थी, क्योंकि चीज़ अगर इस्तेमाल करते रहो तो थोड़ी सही चलती है, और बहुत दिन से इस पर मैंने कुछ काम नहीं करा था मशीन पर अपनी, तो ये थोड़ी सही नहीं चल रही थी, फिर मैंने रात को इसमें थोड़ा सा तेल डाला था, तो अब ये थोड़ी सी सही चल रही है, तो अब मैं इस पर सूटों की फिटिंग करूँगी। अभी तो मैं इसमें धागा भर रही हूँ, जो शटल होती है ये, तो पहले मैं ग्रीन कलर का करूँगी सूट फिटिंग, तो ग्रीन कलर का धागा भर रही हूँ मैं इसमें, तो चलिए इतना तो काफ़ी रहेगा ये, और लगा देती हूँ मैं इसको इसमें। और देखिए दोस्तों, शहरी भी कह रही है कि मम्मी शालू दीदी सूट पहनेगी तो मैं भी सूट पहनूँगी, और इसलिए जो शहरी का सूट है वो निकाल दिया है मैंने, और बाकी ड्रेस जो है शहरी वो मना कर रही है, और बस अब इसमें धागा डाल देते हैं। और चलिए दोस्तों, अब मैं अपने सूटों की फ़िटिंग करती हूँ, शालू के सूट की भी फ़िटिंग करती हूँ, और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और नया नया आप हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही देखते रहिए हमारी वीडियो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा खुश रहिए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और जितना प्यार और आपने सपोर्ट हमारे साथ बना रखा है उतना ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और इससे भी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट बनाइए हमारे साथ, और हमें आगे बढ़ाइए, अपना साथ दीजिए। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग में, बाय बाय।